मम्मी काम कर रहे हो, देखो मैं शूट कर रही हूँ। और आना आना रुक और ये रहे हम, बाकी सबको दिखा दिया। और ये हूँ मैं, और मम्मी ने कट करके दिया पपीता सबके लिए, तो मुझे भी मिला। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अराउंड 1:30 सुबह का। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका। हमारी आंटी छुट्टी पे गई हुई हैं, तो हमने एक पार्ट टाइम मेड को रखा है जो 11:30 से पहले नहीं आती, तो रात को जितने बर्तन होते हैं वो धो लेते हैं और थोड़े बहुत छोड़ देते हैं, ताकि वो सुबह जब आए तो उसके पास फिर भी उस टाइम पे भी कुछ बर्तन रहे धोने के लिए। अरे बस, वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत सारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे छोटे से दुनिया में। आई होप वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और क्योंकि फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो एकदम से फेस्टिव मोड में होंगे, हम सब भी हैं। और जब फेस्टिवल का सीजन हो तो घर में रौनक बहन बेटियों से आती है, और जब बहन बेटियां आ रही हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक सिस्टर इन लॉ आए हुए थे, वो भी गए। अब मेरे सिस्टर इन लॉ की डॉटर आई हुई है, सबसे बड़े वाले सिस्टर इन लॉ की डॉटर, आपने अभी देखा क्लासेस चल रही है। अब ऑनलाइन क्लासेस है, तो घर ही स्कूल बन चुका है, कॉलेज बन चुका है, तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आज रात को लेट नाइट मेरे सबसे छोटे वाले सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, उनके दोनों बच्चे, वो भी आ रहे हैं 4-5 दिन के लिए यहाँ पर मिलने और इंजॉय करने हमारे साथ। तो हम अभी बहुत, हमारे पास बहुत सारा काम है, एंड हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पिछले पूरे साल कोई भी नहीं आया, हम एकदम ऑल अलोन थे। इनफैक्ट मम्मी भी नहीं थे, आपको पता है मम्मी भी दीदी के वहां पर अटक गए थे कोविड लॉकडाउन की वजह से। तो अब पिछले साल पूरा हम ऑलमोस्ट अकेले बिताया हमने पूरा साल, और इस साल फाइनली कुछ चेंज है लाइफ में, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। खैर, अभी हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे दोपहर के लंच के लिए। शाम को मैं बनाऊंगी एक डिफरेंट स्टाइल का सैंडविच, जो बहुत टेम्पटिंग लगेगा। आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, और आप लोग प्लीज जरूर ट्राई करना और व्लॉग एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको रेसिपी मिल सके उसकी, ठीक है। हाल फिलहाल आ जाइए, बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो अभी मम्मी पपीता काट रहे हैं, मैं फटाफट से लंच की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद हम मिलकर सारी सब्जियों को पहले धोएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उनको स्टोर करेंगे, वो काम करेंगे। और अभी तक इतना ही है, कुछ ज्यादा कुछ हमने प्लान नहीं किया, तो बाकी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी सब्जियां कितनी अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। अदरक और लहसुन भी इनफैक्ट बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही फाइन चॉप हुए हैं। तो बस ये हमारे चॉप हो चुके हैं, तो अब फटाफट शुरू करते हैं बनाना छोले। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी 1 टीस्पून अराउंड राई, थोड़ा सा जीरा,
1/4 टीस्पून अराउंड हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और बस हमारे चॉप किए हुए अनियन। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, सॉटे कर लेंगे। बीच बीच में चलाते चलाते इन्हें भून लेंगे हम हल्का। और जब तक हमारे अनियन भूनते हैं तब तक हम हमारी टमाटर को भी इसी में क्रश कर लेंगे। ये हमारे अनियन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को पकते हुए कुछ 1-1.5 मिनट हो चुके हैं और नींबू, मैंने टमाटर को भी क्रश कर लिया था, तो बस अभी टमाटर को भी टमाटर की इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं बाकी के मसाले ऐड कर देती हूँ उसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जस्ट कलर के लिए, तीखेपन के लिए नहीं। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और साथ में छोले मसाले। मिक्स करके पकने के लिए ताकि प्याज टमाटर मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। बस अब ढककर हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके, हमारा मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी धीरे धीरे अब सेपरेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें नमक टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद खटाई और हल्की सी शक्कर। नमक हल्का सा कम है। हाँ बेटू, लेकिन कल के जैसे नहीं करोगी, तुम नीचे से अगर आओगी तो बता के जाऊंगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर आपके पास धनिया है तो आप इसमें धनिया डाल सकते हैं। आज सब्जी लेने गई थी, आप बोलोगे सब्जी लेके आई है फिर धनिया क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जी वाले भैया को बोला था धनिया लेने के लिए, उन्होंने डालना भूल गया तो धनिया हमारा रह गया, तो हम उसे उसकी जगह डाल रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। वन फोर्थ टीस्पून अराउंड शक्कर। शक्कर ना जरूरी नहीं होती है, बट शक्कर डालने से एक बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो बस ये सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब टाइम है मेन इंग्रेडिएंट डालने का, वो है छोले। गैस को मैंने वापस से फुल कर दिया और ये गए छोले। इन्हें एक अच्छा सा मिक्स देंगे और छोलों को फिर 5 मिनट के लिए शिमर होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारे छोले होंगे तब तक मैं फटाफट से लगा लूंगी भतूरों का डूब। Thank you.
हाँ बताओ बेबो, आज छोले भटूरे कैसे थे? अच्छे थे। जादू, छोले भटूरे कैसे थे? इसलिए तूने ओवर ईटिंग की ना, कितने भटूरे एक्स्ट्रा खाए। निया दी, छोले भटूरे कैसे थे? बहुत अच्छे थे, पानी पीना पड़ेगा। मेरा पेट खराब हो जाएगा। छोटा मेरा पेट खराब है, अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू, जिसका रिव्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मुझे बोला जा रहा है मुझसे मत पूछना। और मजा तो तब है जब सामने वाला ना बोले और आप उससे जबरदस्ती करें। अब हम मजबूर हैं, हमको बोलना पड़ेगा। पहले ये खा लूं, बाद में बताऊंगा। खैर, मुझे बाकी सबसे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। रेसिपी मम्मी की थी, मैंने सिर्फ बनाया, अच्छा बना। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। और ये मैं आई एम टेलिंग, अगर आप कुलचों के साथ खाओगे ना, आपको और भी मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू ट्राई। मेरे साथ आज चोट हो गए, मुझे कुलचे मिले नहीं। इंग्लिश ओवन के कुलचे आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको घर पे लाओ, जस्ट सेको और छोलों के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। बट दो तीन दिन से इंग्लिश ओवन का माल नहीं आ रहा, मतलब स्टॉक आ नहीं रहा है, तो नहीं मिले, तो इसलिए हमने भटूरे बनाए। तो भटूरे के साथ तो छोले अच्छे लगते ही हैं, तो ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये छोले भटूरे इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड। तो बस अभी हम लोग खाना खाते हैं, आपसे खा लूंगा। मैंने इसे बोला था कि आज रात को डिनर में कुछ अलग बनाने वाली हूँ, तो अभी बस सारी प्रिपरेशन कर ली और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं डिनर में बना रही हूँ चीजी पनीर बंस। तो आइए फटाफट देखते हैं चीजी पनीर बन के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए। तो हमको जो चीजें चाहिए चीजी पनीर बन के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल जिसमें हम हमारे मिक्सचर को रेडी करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए सब्जियाँ, टमाटर, इसके मैंने सीड्स निकाल लिए, सिर्फ टमाटर है, कैप्सिकम इसे भी चॉप कर लिया, कॉर्न्स, पनीर, अनियन, मोजरेला चीज, स्लाइस पनीर, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, सॉल्ट, मेयोनीज, पिज्जा सॉस, टोमेटो केचप। आप यहाँ पर दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, बट मैं बस इतनी ही सब्जियां ले रही हूँ। अब पहले फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका मिक्सचर बनाने। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी Thank you.
कवर कर देंगे। ऐसे मैं हल्के हाथों से प्रेस कर दूंगी। ये हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। अब मैं इसमें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ थोड़ा सा घी स्प्रेड करूंगी। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप इस पर क्या लगाना चाहते हैं। वापस ऊपर से हर्ब्स, और चिली फ्लेक्स। और ये रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो ये हो गया डिनर, और डिनर का रिव्यू भी आपको मिल गया कि हमारे चीजी पनीर बंस बहुत ही डिलीशियस बने थे और सबको अच्छे लगे। और मैंने आज कम बनाए थे ये सोच के कि कहीं बचना जाए, कोई ना खाया तो क्या होगा, बट सबने खा लिया और सबको अच्छा लगा। इनफैक्ट बच्चों ने भी खा लिया। और अभी ये बच्चे बच्चों खरबूजा खाया पता? क्या पता है? तुमने कुछ बात की। तो वो तो कोमा होता ना, इतने अच्छे थे। तो बच्चों ने भी खाया, बच्चों को भी मजा आया क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं था, ब्लेंड फ्लेवर था, मतलब ओवरऑल अच्छा था। पतिदेव ने अगर मार्क्स दे दिए ना 10 out of 10, दैट मीन्स खाना अच्छा बना है। तो आज का दिन अब परफेक्ट डे काउंट होगा। तो दोपहर में खाना बनाया, छोले भटूरे जो बनाया आज डिफरेंट स्टाइल से, तो वो भी बहुत अच्छे लगे सबको। अभी चीजी बंस बनाई, वो भी सबको बहुत अच्छी लगी, तो अच्छा था। खैर, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो, आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो। अगर मज़ा आया, इंजॉय किया, रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, stay tuned, bye bye, all is well.